कांग्रेस पार्टी के कृत प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रजपा पहुंचकर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष से कुछ मसलों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता फिरोज ने। आज कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी रजरप्पा पहुंचे हैं मां छिन्नमस्तिका के दरबार में। हाजिरी लगाने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद हमारे साथ हैं। आइए, संगठन से जुड़ी कुछ बातें इनसे करते हैं। क्या सर, रिसफल किया जाएगा चुनाव से पहले संगठन को? संगठन जो स्थिति है बस पूर्ववत रहेगा। कुछ बातें कल मिले आप लोग मुख्यमंत्री से, क्या कुछ सीट के बंटवारे के सिलसिले में भी बात हुई है क्या? अभी सीट शेयरिंग के संबंध में कुछ बातें नहीं हुई है। हम लोगों ने कार्यक्रम के बारे और कैसे हम लोग गांव तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और उससे लाभ दिलाएं गरीबों को, उसके संबंध में हम लोगों की रणनीति तय हुई है। विपक्ष तो बाग दौड़ में लगे हुए है और विपक्ष अभी तक आप लोग सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार नहीं कर पाए, क्या कुछ देरी? देखिए, हम सभी जो हैं सीट के संबंध में कोई इतना ज्यादा ये नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा है कि हम सभी पूरी तन्मयता के साथ, सक्रियता के साथ अपने संगठन को मजबूती के लिए बूथ स्तर पर जो पूर्व में बूथ कमेटियां बनी थी उसको और अधिक गतिशील और सक्रिय बनाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कांग्रेस जो है आपके साथ कार्यक्रम आयोजित किए। संगठन में क्या जो गठबंधन है वो पुराने फॉर्मूले पर चलेगी? निश्चित रूप से जो हमारा पुराना सीट था 31 का, दो हमारे विधायक माननीय पुड़ैया हाट के और हमारे मांडर के और तीसरा जयप्रकाश भाई मांडू से आए हैं, ये तो हमारा स्वाभाविक सीट बनता है। उसके बाद फिर देखा जाएगा आपस में, जब हम लोग सीट शेयरिंग में बैठेंगे हमारे शीर्ष नेता मिलजुल के। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग लाएं और उसके बाद पुनः हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएं। आश्वस्त है कि इस बार भी गठबंधन की सरकार बनेगी और कार्यकर्ता पे जोश भरने के लिए यहां पे आए हुए थे प्रदेश अध्यक्ष। न्यूज 11 भारत के लिए रजरप्पा से फिरोज आलम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।